बलरामपुर कलेक्टर कुंदन कुमार के मनसानुरूप जिले में मिशन 90 की शुरुआत की गई, जिसमें जिले से लक्ष्य रखा गया था कि जिले में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक अंक अर्जित करें। 90% अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को बलरामपुर कलेक्टर ने सम्मानित करने की बात कही थी, जहां विधायक बृहस्पति सिंह, बलरामपुर कलेक्टर कुंदन कुमार और जिला पंचायत के सीईओ रीता यादव ने जिले में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 86 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं जिले में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले 2 छात्र छात्राओं को विधायक बृहस्पति सिंह ने 1,00,000 रूपए देने की घोषणा की है। आपको पता है कि बलरामपुर की जो विविधताएं हैं, यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो काफ़ी मुश्किल है। उन मुश्किलों में भी बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं। जिला प्रशासन के प्रयास से, यहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके प्रयास से तो निश्चय ही बहुत अच्छे, बहुत जिला प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। आगे की जो हमारी रणनीति है मिशन 90 में, कि इसको हम साल भर चलाएंगे। मिशन 90 का मतलब है कि 90% बच्चों को, ज़िले के 90% बच्चों को 90% से ज़्यादा नंबर उनको अचीव करवाना। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे जिला प्रशासन के पूरी टीम कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, जिला शिक्षा अधिकारी मैडम सीओ के मार्गदर्शन में बहुत बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसके परिणाम देखिए कि आज 28-29 जिलों में टॉप के 7वें स्थान पे, 10वें स्थान पे आना बहुत बड़ी बात है। जहाँ न तो हमारे पास बिजली की पर्याप्त संसाधन रहता है, न ही उन बच्चों के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसके बावजूद भी, सारे असुविधा होने के बावजूद भी इतने टॉप स्थान में सरकारी स्कूल के बच्चों का आना बहुत ही ये सराहनीय।